लाल किले की प्राचीर से बोले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा लोकतंत्र की जननी है भारत। राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। सोमवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर लगातार 9वीं बार तिरंगा झंडा फहराने के बाद देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हर स्वतंत्रता सेनानी को नमन करने का दिन है। लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने दिलाए 5 प्रण, 25 सालों का दिया टारगेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर लाल किले से देश को 5 प्रण दिलाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों के लिए हमें अपने संकल्पों को 5 आधारों पर केंद्रित करना होगा। हमें उन 5 प्रण को लेकर 2047 में आज़ादी के 100 साल होंगे तो आज़ादी के दीवानों के सपनों को पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, ट्वीट कर दी बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। देश आज अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को इस दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये कहा है कि देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। राजस्थान के जालौर में 40 घंटे बाद हुआ दलित छात्र का अंतिम संस्कार, गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। राजस्थान के जालौर जिले के सुराणा गांव के एक प्राइवेट स्कूल के टीचर की पिटाई से हुई दलित छात्र की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। परिजनों और प्रशासन की आपसी सहमति के 40 घंटे बाद उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल प्रदर्शनकारी बच्चे के शव को छीनना चाह रहे थे। उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया। भीड़ के उग्र होने पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। भारत की विदेश नीति के मुरीद हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, रैली के दौरान चला दिया भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का वीडियो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत की विदेश नीति की दिल खोलकर तारीफ की है। सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वे ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक ही साथ स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन अगर नई दिल्ली अपने फैसले खुद ले सकती है, अपने लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक स्टैंड ले सकती है, तो हमारी सरकार इसमें क्यों पीछे रह जाती है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।